सो देखो, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हो। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपकी परसेंटेज को बहुत इंक्रीज़ कर देता है, क्योंकि वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो हल्की सी मेहनत करेंगे, हल्का सा फोकस करके हम पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा स्मार्ट स्टडी करेंगे तो हम इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसमें तीन चीज़ें इंपॉर्टेंस होती हैं, आपकी राइटिंग, ठीक है, आपका आंसर्स का प्रेजेंटेशन, ठीक है, ये, और क्वेश्चंस का जो पूछ रहा है उस हिसाब से आपको लिखना होता है। अगर आप इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर ज़रूर करेंगे। जैसे कि आपको पता है, हमारे इंग्लिश के तीन सेक्शन होते हैं, ए बी सी, और ये 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। सेक्शन ए आपका क्या होता है? सेक्शन ए आपका होता है रीडिंग। सेक्शन बी आपका क्या होता है? राइटिंग, ठीक है, और सेक्शन सी क्या होता है आपका? लिटरेचर। ठीक, सो देखो, रीडिंग की अगर बात की जाए तो रीडिंग ऐसा सेक्शन ए आपका फ्री फंड के नंबर दे जाता है। फ्री फंड, समझते हैं ना? रीड करना मतलब आपको दो पैसेज मिल जाएंगे, एक तो पैसेज मिलेगा, एक पोएम वाला मिलेगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, सबसे सीक्रेट चीज़ जो होता है रीडिंग पोर्शन में, रीडिंग नाम से पता चल रहा है, आपको पैसेज अच्छे से केयरफुली रीड करना होगा। जब आप पैसेज को रीड करो ना, तो आपका मन बिल्कुल शांत होना चाहिए, एकदम शांत। आपके मन में कुछ भी फालतू के क्वेश्चन नहीं आने चाहिए, और आपका पूरा ध्यान उसी पैसेज पे होना चाहिए। अब टू द पॉइंट आर एक पैसेज को पढ़ो, अगर कोई कीवर्ड आपको लग रहा है तो पेंसिल से वहीं पर मार्क कर लो, ठीक है, पेंसिल से वहीं नीचे से मार्क कर लो, ठीक है, कोई भी कीवर्ड आपको लग रहा है। और जब आप उस पर रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो आपको जैसा क्वेश्चन उसमें से पूछा है टू द पॉइंट, आपको उसी हिसाब में ही आंसर लिखना है, तो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। इस बीच आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी ग्रामर अच्छी हो, आपकी वोकेबलरी अच्छी हो, और आपका जो लिखने का तरीका है, राइटिंग प्रेजेंटेशन, वो अच्छा होना चाहिए। तो ये सेक्शन हमें बहुत बढ़िया नंबर दे जाता है फ्री फंड के, ठीक है, इसमें थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा फोकस, पूरे नंबर दे जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं राइटिंग। राइटिंग में आपका आ जाता है ग्रामर पोर्शन, जैसे कि निबंध लिखना, ऐसे लिखना, आर्टिकल्स आ जाएंगे, ठीक है, लेटर आ जाएगा, ठीक है, और स्टोरी लिखने के लिए आ जाएगी। ये कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं, स्किलफुल चीज़ें होती हैं ये। इस पर भी अगर थोड़ा सा मेहनत किया जाए तो आप काम बन जाएगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो प्रीवियस के क्वेश्चन है लास्ट 10 ईयर्स के, क्योंकि देखोगे ना आप, तो आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ बार बार रिपीट होती हुई दिखेगी, तो आप उनको सेलेक्ट करो, उनकी प्रैक्टिस कर लो। जैसे ऐसे कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो बार बार आ जाते हैं, उनको पढ़ो। जो आपका निबंध है, वो सॉरी निबंध तो हो चुका है हमारा, जो हमारा राइटिंग पोर्शन में लेटर राइटिंग, ठीक है, फॉर्मल इनफॉर्मल कुछ ऐसे होंगे जो बार 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 रिपीट होते हैं, उनको देख लो। और फिर आपका आपका स्टोरी लिखने के लिए आ जाएगा, आर्टिकल्स लिखने के लिए आ जाएगा। कैसे जो अप्रोच रखनी है, CBSE ने अपने मार्किंग्स भी बताई है, उस मार्किंग स्कीम के हिसाब से आपको लिखना चाहिए, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। जिस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन दे रखा है, आपको आपका जवाब भी उसी फॉर्मेट में देना चाहिए, ठीक है, तभी आपको पूरा फायदा मिल पाएगा। बात करी जाए लिटरेचर, लिटरेचर पोर्शन की, सबसे बढ़िया तरीका है, अगर आप इसमें भी थोड़ा कंजूसी कर रहे हैं, पढ़ना नहीं चाहते, सबसे बेस्ट तरीका यही है कि चैप्टर का जो आपका समरी होता है, हर एक चैप्टर का समरी, राइटर के किसने उस चैप्टर को लिखा है वो आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि पोएट में क्वेश्चन पूछ देता है पोएम वाले में, पैसेज में, कि इसको किसने लिखा था, ठीक है ना, तो वो आना चाहिए। हर एक चैप्टर की अगर आप समरी आपको पता है, कहानी आपको पता है, तो आपको इस लिटरेचर पोर्शन में फ्री फंड के नंबर मिल जाते हैं। मैं अगर फिर से मैं कहूँगा, फ्री फंड के नंबर मिलते हैं। बस आपको हर चैप्टर की कहानी मालूम होनी चाहिए, टू द पॉइंट। अगर आपको इंग्लिश, हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेट करना आता है, तो ये बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए तो आसान होता है, लेकिन जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं वो थोड़ा इसमें स्ट्रगल करते हैं, ठीक है। क्या चीज़ है, आप क्या कर सकते हो, इसमें प्रीवियस के क्वेश्चन उठाओ, आपको देखने को मिलेगा कि जो क्वेश्चन हो रहे हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि लेंचो वाला चैप्टर हो गया, ठीक है, नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर हो गया, ठीक है, बांडा पेट्रोन्स की हो गया, फुटप्रिंट विदाउट फीट हो गया, ऐसे कुछ कुछ चैप्टर हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बार 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 आते हैं। इसके लिए आप प्रीवियस पेपर्स कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, और आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर ज़रूर करोगे, ठीक है। और मैं डेली आप एग्ज़ाम तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ प्रोवाइड करा रहा हूँ, बने रहो चैनल के साथ, आपको ज़रूर फायदा मिलेगा, और हम मिलके अच्छा स्कोर ज़रूर करेंगे बोर्ड एग्ज़ाम में।
डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।